बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। मुद्दा विधानसभा चुनाव का। बुलंदशहर अनूपशहर विधानसभा पहुंचे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी, भाजपा सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। वही अनूपशहर विधानसभा से अनीता कश्यप के लिए मांगे वोट। वीआईपी पार्टी से अनूपशहर विधानसभा प्रत्याशी है अनीता कश्यप को जिताना है। वही अनीता कश्यप ने कहा कि मेरी जीत आपकी जीत। देखिए एजेंडा स्पष्ट है, हमारे अनीता कश्यप जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी है, मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों ने गरीब समाज से, दबे कुचले समाज से आते हैं और मछुआरा समुदाय से हैं, और हमारी बहुत विशेष लड़ाई हमेशा है कि निषाद को आरक्षण मिले, जो दिल्ली में है या वो बंगाल में आरक्षण है, वो उत्तर प्रदेश या बिहार झारखंड में मिले। इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में हम लड़ाई लड़ते लड़ते कामयाब बने, और हमारी सरकार है NDA के साथ हैं, और हमारे 4 विधायक और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा एक ही नारा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और हमारी लड़ाई खास करके दिल्ली के सरकार से है, जो दिल्ली में जिनकी सरकार है उनसे ही हमारी लड़ाई है कि आप हमारा अधिकार हमें दो वरना हम लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके लिए आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधानसभा में हमारी प्रत्याशी है, और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से बिहार में हमारे विधानसभा में चुनाव जीतकर हमारी पार्टी किंग मेकर के भूमिका में आए, उसी तरीके से हमें भी पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में 1-2 दर्जन चुनाव जीतकर आएंगे और हमारी जो वीआईपी पार्टी है किंग मेकर के भूमिका में उत्तर प्रदेश में रहेंगे, और निश्चित तौर पर जो सरकार बनाएंगे वो हमारी बात को, हमारे मांगों को मानेंगे, ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाएंगे और समाज के हर गरीब समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। या कुछ लोग अभी नारा देते हैं 20 और 80 का, मेरा मानना है कि 20-80 नहीं 15-85 है, और 85 में जो गरीब लोग हैं, हर जाति समाज के लोग, उनको सम्मान मिलना चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए, ना ही कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव होना चाहिए। आज जो आपने वादा किया 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का, हर साल वो रोजगार दीजिए, मुझे 5 किलो चावल नहीं चाहिए। 5 किलो चावल लेके क्या होगा? एक व्यक्ति को जिंदगी में सिर्फ चावल ही जरूरी नहीं है, उनके रहने के लिए घर चाहिए, उनके बच्चे को नौकरी चाहिए, उनके बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह उनका स्वास्थ्य को बेहतर उपचार हो, ऐसे हमें व्यवहार।